सिपाहियों, वजीर का हम बेलेजिक कले में इंतजार करेंगे। हुजूर, ढूंढने के बाद हम उसका क्या करेंगे? उसने मेरा गुस्सा उभार कर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी झूठी जुबान काट के रख दूंगा मैं, जलाकर राख कर दूंगा उसे। शेख मोहतरम के साथ उसने जो किया उसके बाद तो आंखें निकाल लूंगा उसके, और उसका सर उसके नापाक जिस्म से अलग कर दूंगा। उसके खून से हमारी सरजमीन की मिट्टी नापाक ना हो, इसलिए कीदड़ों को खिलाऊंगा मैं उसे। ठीक कहा आपने, लेकिन बेलेजिक कले के अंदर कैसे जाएंगे? अपनी तलवारें बाहर निकाले बगैर ही हम अंदर जाएंगे गुप्तो, और वजीर के लिए अंदर ही हम मुंतजिर होंगे। वो यकीनन ऐसे ही इस्तकबाल का मुस्तहिक है। सिपाहियों, आ जाओ। यहां तक कि टैगफोर ने मेरे हुजूर के हुक्म से सिपाहियों को वापस बुला लिया। जालिम को कभी हक का सामना करते देखा है? कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। सिपाहियों, यहां की हर जगह राहदारियों और हर कोने में फैल जाओ जाके। मैं वजीर आलम शाह की आरामगाह की तरफ जा रहा हूं। इंसाफ की तलवार से उसे कोई नहीं बचा सकता। चलो जाओ। वजीर, अब उसे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। हमारे सरदार ने जो कहा वो होगा, वो अपनी गलती पर पछताएगा। मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उसने जो किया उसका हिसाब उसे देना होगा। वजीर ने बहुत कुछ किया है, वो इसका हिसाब देगा, और ये हिसाब बहुत जल्द होने वाला है सालतुक। मेरी तलवार बहुत से जालिमों के खून से रंगी है। ये तलवार गद्दारों के लिए डरावना ख्वाब है। अब ये और खतरनाक हो गई है। मेरे रब ने दुश्मन भी बेहतरीन दिया है मुझे, जो कि एक मुनाफिक है। और ये फर्ज है मेरा कि उसे मैं दो हिस्सों में काट दूं। Yeah!
क्या मेरे सिपाही जिंदा तो है ना? ये आप पर मुनसर है। बताओ खुल के। वजीर आलम शाह को छोड़ दें। अगर हाथ भी लगाया उन्हें तुम लोगों ने, तो पहले वजीर और उसके बाद तुम लोगों की मौत होगी। बातें बंद करो, तलवार नीचे करो उस्मान। एक दिन मेरी तलवार होगी और तुम्हारा सर। हाथ मेरे गर्भान से हटाओ। छोड़ो मुझे। विनती करने की जरूरत नहीं है हुजूर। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। आ गए हुजूर। हम यहाँ हैं। हम आपके साथ हैं। हुजूर। सिपाहियों हुकुम दें हुजूर। हट जाओ पीछे। हटो पीछे। आ जाओ वसीम। हटो रास्ते से। हुजूर। मेरे भाइयों, तुम लोग ठीक हो ना? हम ठीक हैं हुजूर। भाई ठीक है जी। हुजूर हम ठीक हैं। आपके सिपाही जिंदा हैं। वजीर आलम शाह को छोड़ दें या इनका सर कलम करें। हुजूर मार दें इसे। हुजूर छोड़िएगा नहीं इसे। इसका सर उतार दीजिए। उस्मान यहां क्या कर रहे हो तुम? उसका सर उतारने वाला हूं जिससे आपने तावन किया कुंदुस भाई। रुक जाओ उस्मान। अगर वजीर को मार डालोगे तो तुम्हें बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। अपने सिपाहियों का सोचो, कबीले का सोचो, अपने खानदान का सोचो। तो क्या मुझे अपने कबीले और लोगों को बचाने के लिए आप जैसे गद्दारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा? सुल्तान के फरमान से इनकार कर रहे हो तुम? नहीं कभी। देखो उस्मान, डाल दो हथियार। सुल्तान तुम्हें अभी भी एक अच्छा इंसान समझते हैं। उनके हुजूर जाकर सारी वजाहत दो। मेरा मकसद तुर्कों का मकसद है और बाबरकत वो इतना है कि मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं। असल में ये तो आप भी समझ नहीं पाए। क्या कह रहे हो तुम? रुक जाओ, एक कदम भी आके मत बढ़ाना। तुम्हें मारने का मौका मैं अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगी। इतना आसान नहीं है मेरे हाथों से बचना गुंदूस साहब। चलो अब आगे बढ़ते जाओ। चलो। ओह भाई उस्मान, तुम्हें अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी होगी। ये जानता हूं मैं कि तुम मेरी जान चाहकर भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक रहम दिल इंसान हो उस्मान। एक तरफ तुम्हारे सिपाही हैं और दूसरी तरफ भाई। हमारे बारे में मत सोचे। मार दे इसे। हमारी फिक्र मत कीजिए। इसका सर उतार दीजिए। कोई बात मत सुने।
सिपाही तैयार है मर मिटने पर और गुंडू साहब भी बहादुर है। कबीले के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये मुझे मार दे तो गोनूर मेरा हुक्म है काई कबीले को जहन्नुम में बदल देना। कोई खैमा चलाए बगैर मत छोड़ना और ना ही किसी के कंधों पर सर छोड़ना। और हान हो सकता है इसके बाद उस्मान मजीद गलती करना छोड़ दे। जो तुम कह रहे हो उसके लिए याद रखना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े मैं अपने हाथों से करूंगा। मगर अभी नहीं, इंतजार करो, मेरा वक्त आएगा आलम शाह। सरदार इसे जाने मत दें। सरदार मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं कर सकोगे उस्मान, तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका। मुस्तकबिल के बारे में अब मुझे सोचना है। आखिरकार भेड़िया पिंजरे में आ गया और गद्दार शेर मेरी तलवार के साए में। तो मैं निकोला से मारी का हिसाब लूंगा। उस्मान जब बिलिजिक में आए तो तुम उसे अंदर आने दोगे? अगर तुमने और मैंने उस्मान का साथ नहीं दिया तो वो इकट्ठे होकर हमें तबाह कर देंगे। चलो फिर देखते हैं। तैकफूरों को देखो, वो मुझे तबाह करने के लिए उस्मान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक उस्मान ये ना समझे कि वो जीत गया है उस वक्त तक कोई कुछ नहीं करेगा। सोचने दो उसे कि वो फाते है, मैं दिखाऊंगा उसे कि शिकस्त के बाद कैसी मायूसी उठाना पड़ती है। अब इनके गुमशुदा साथी को बुलाने का वक्त आ गया है। जोलिया रोका तो उसको लेकर आओ। हमें यहां से निकलना होगा जल्दी, धोखा हुआ है। लानत हो निकोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। कोसेस, क्यों किया आखिर तुमने ये सब? तुमने कभी भी सही लोगों का साथ नहीं दिया बेवकूफ। सवाल तो मेरा भी यही है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? याद रखना तुम मारे जाओगे। हमारे कैदियों को जंदान में डाल दिया जाएगा। कोसेस, तुम्हें तुम्हारी गद्दारी की सजा कुस्तुनतुनिया में शहंशाह की तरफ से दी जाएगी। तुम तैकफूरों को शहंशाह के रहम और करम पर छोड़ दिया गया है उस्मान। हां, तुम्हारे साथ कुछ और मामला है, तुम्हें यहीं फांसी दी जाएगी।
तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारी कर्तव्य उड़ा देंगे। क्या कह रहे हैं आप वजीर आलम शाह? किस सजा में फांसी बताएं? नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हमारे हुजूर को छोड़ दो काफे। तुम पर कमीने हुजूर, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। इसका सर उतार देते हो। हुजूर छोड़ दो, छोड़ दो हमारे सरदार को। छोड़ दो, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं। हुजूर सरदार, हुजूर भाई, मेरे अजीज दोस्त, अब चलते हैं। ले जाओ इसे। आए गुंदू साहब, आए बात करते हैं। मेरे सिपाहियों, मैं गवाह हूं इस बात का, वो जो हर चीज में कादर है, आप सबने उसी हक का रास्ता चुना। रसूलुल्लाह के मुबारक मकसद के लिए, उनकी पैरवी के लिए जुल्फिकार की तरह काफिरों पर हर सू गालिब आ गए, और उसकी राह में जिहाद के लिए अल्लाहु अकबर की सदाएं इस जहान में फैलाने के लिए मेरे साथ आप बहुत से हर तरह के कठिन रास्तों पर चलते रहे, और अब यजीद को यजीदियत दिखाने दो। अपने दीन में मिसाल है हमारे लिए, हमारे मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए, लेकिन किसी बातिल के सामने नहीं झुके। अगर हम भी शहीद हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम शहीद हो जाते हैं तो भी हमारा मकसद खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम लोग गिर भी जाएं, तो भी कलमातुल्लाह की बरकत से ये मकसद हमारी नस्लों तक जिंदा रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह। हमारी रियासत और इस्लाम का झंडा हमारी नस्लें उठाएंगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सिपाहियों, काई के बहादुर सिपाहियों, मैं आपसे राजी हूं। मेरा रब भी राजी हो आप सब से। सारे हुकूक माफ करता हूं, कोई हक रह गया हो तो माफ करता। मैं माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं जनाब। मैं भी माफ करता हूं, मैं भी माफ करता हूं भाई, माफ करता हूं। मैं भी माफ करता हूं हुजूर, मैं माफ करता हूं हुजूर। क्या आप राजी हैं? हम आपसे राजी हैं जनाब, हम राजी हैं। उस्मान साहब,
हमें इस बात का इल्म था कि आप ऐसा जरूर करेंगे, इसीलिए हम तैयारी के साथ आए हैं। हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अब तो सब जान चुके होंगे। उस्मान साहब, आप और आपके वालिद अजीम सरदार हैं, तो हम आपकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? और आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक रियासत हैं, इसीलिए हमने आपको कोनिया के नाम पर बचाया है। हम सब आपके वालिद अर्तुरुल गाजी को जानते हैं, हम काफी देर से एक साथ सफर कर रहे हैं, मुझे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद तुरान सरदार आपके वालिद मोहतरम अर्तुरुल गाजी साहब के बारे में अक्सर बताया करते थे। उन्होंने साथ मिलकर बेशुमार जंगें लड़ी। सरहदी इलाके में हर कोई एक रियासत चाहता है, लेकिन इज्जत उससे पहले। और हां, एक और बात, किसी पर मैं भरोसा नहीं करता, जान लो। उस्मान साहब, हर मुजरिम नजर आने वाला शख्स दर हकीकत बुरा नहीं होता, बुरे लोगों में अक्सर अच्छे लोग भी होते हैं। चलें फिर अपने सुल्तान के पास चलते हैं, आप उनके इंसाफ से बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, हम एहसान और गद्दारी जरूर याद रखते हैं। चलो सिपाहियों, चलते हैं। Yeah.
अंगूर। वजीर आलम शाह, हारने वाला मर जाएगा। लेकिन मैं कभी नहीं हारता, मुझे इसका यकीन है। आप ऐसे सिपाहियों के सिपा सलार हैं जो कभी नहीं हारते, बल्कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो सुरखरू होते हैं। ज्यादा अल्फाज पसंद नहीं मुझे। क्या तुमने उस्मान को मार दिया? नहीं, आपके लिए बचाया है। उसे पकड़कर कोनियां लेकर जा रहे हैं। लेकिन उस्मान को कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। नहीं पहुंचेगा वो। लेकिन क्या सुल्तान ये बात जानता है कि हम लोग उसका तख्त छीनने वाले हैं? बताओ मुझे। नहीं, उस्मान हमेशा हमारे लिए रुकावट बना है। उस्मान को ले जाने वाला सिपाही बहुत बहादुर है, मोहतात रहिएगा। मंगोलों के जंगजुओं के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है। वैसे भी ये सलजूक सिपाही कितने बहादुर हो सकते हैं देखना चाहूंगा। वो लोग अतमान पहाड़ के साथ वाले रास्ते से जा रहे हैं। अब तक उनके घोड़े थक चुके होंगे। मेरा ख्याल है वो रात किसी गार में गुजारेंगे। खाना शुरू कीजिए। सिपाहियों, खाना शुरू कीजिए। तुम बहुत बेचैन हो हमें ले जाने के लिए। कोनिया में हालात कैसे हैं, कुछ बताओगे? दरअसल वहां के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस्मान साहब। समझ लें कि चारों तरफ खतरा ही खतरा है। तो फिर हमें वहां क्यों ले जा रहे हो? मुझे सुल्तान मसूद पर भरोसा है और आप देखेंगे कि वो कितने इंसाफ पसंद हैं। मुझे यकीन है बहुत जल्द सरहदों पर एक नया सितारा चमकेगा।
लेकिन वो वजीर, वो सुल्तान को वरगला रहा है। वो सांप की तरह तेज है, जहर उगलता है। वो सांप तो आखिरकार अपने बिल की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो अपने किए की कीमत जरूर चुकाएगा। यकीन के साथ कह सकता हूं कि वजीर ये कीमत जरूर अदा करेगा। ऐसा क्यों? क्या वजह है भरोसा करने की हम पे? आपको लगता है कि आप यहां के वाहिद का ही हैं? ये देखिए उस्मान साहब, काई हर जगह है और हमारा एक ही मकसद है, और वो है तुर्कों की आजादी। सुल्तान मसूद का फरमान हर चीज से बालातर है, और देखिएगा बहुत जल्द हम सरहदों पर एक साथ लड़ेंगे। कोनिया से लौटते ही ऐसा ही करेंगे। मेरे भाइयों, चलो ये सब भूल जाओ। हमारे सरदार का एक ख्वाब है और वो उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमारे गलों में तो रस्सी थी, और अब कोनिया क्या बनेगा हमारा, बताओ। बस अल्लाह हमारी मदद करे। आमीन। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो जरूर अपने बंदों की मदद करता है, और उसी के हुक्म से हम सारी परेशानियों से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारे हुजूर एक बहादुर जंगजू हैं। मैंने इनके साथ कफकाज से सफर किया है। ये सारी ताकत हमें कुदरत रखने वाले ने दी है, और वही इस बुराई को मिटा डालेगा। वो उनसे परेशान है, बहुत परेशान, इसलिए वो उनके खिलाफ झूठ बोलते हैं और खेल खेलते हैं। तो बस तय हो गया, हम मिलकर चलेंगे और कभी भी मायूसी की तारीकियों में नहीं गिरेंगे। अल्लाह हमें राहत जरूर पहुंचाएगा, और वैसे भी मंगोलों की वजह से मेरा वतन तबाह हो चुका है। एक बात बताइए, आप यहां आए हमें बेहद खुशी हुई, लेकिन आपके आने की असल वजह क्या है? उम्मीद तो है यहां पर कम से कम, और वो उम्मीद उस्मान साहब है हमारे, बड़ी जंगों की क्यादत करेंगे और तमाम मुसलमान एक झंडे तले यकमुश्त हो जाएंगे। माशाल्लाह मेरे भाई, माशाल्लाह। वो दिन जरूर वापस आएंगे जब मेरी तलवारें मेरे हाथ में वापस होंगी, और हम दोनों मिलकर बहुत सी जंगें लड़ेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई, शुक्र है कि उस्मान साहब से मेरी इस तरह से मुलाकात हुई। रब हम सब से राजी हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। सलजूक और उस्मान इस वक्त गार में हैं। हम जाकर चाहें तो उनका सर कलम कर सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दो, गार के पास कितने सिपाही हैं हमारे? बहुत ज्यादा। एक गार दुश्मन से दिफा करने के लिए अच्छी जगह होती है। हमें महतात रहकर कल सवेरे तक का इंतजार करना होगा। जब वो गार से निकलकर अपने रास्ते में होंगे, हम उन्हें मार देंगे। इसके बाद जितने चाहो तुम दुश्मन के सर काट सकते हो। कैसा रहेगा अगर उस्मान का सर काटो? मेरी यही ख्वाहिश है। ख्याल रहे, उस्मान बहादुर सिपाही है, और वो मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दीवार है। वो बर्बाद हो जाएगा। वो
उस्मान, मुझे आलम शाह की जरूरत है और उसे तुम्हारी मौत की। अर्गुन खान भी मरेगा, सुल्तान मसूद भी मरेगा, तुम सब मेरे हाथों मरोगे। उन तमाम सरजमीनों का हाकान सिर्फ मैं होऊंगा। तो हैं भाई? वो चाऊश बाहर इंतजार कर रहा है सरदार। भाई नहीं संभाल सकते तुम काई कबीला, वो सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। वो हमारी रियासत की बुनियाद को कमजोर कर रहा है। हुजूर, मलून खातून है, बाला खातून है, सलजान माँ है, आयगुल है, मुझे यकीन है वो कबीले को बचा लेंगे। मेरा गोकतोक भाई है वहां, वो जरूर कामयाब होंगे। ठीक कह रहे हो जहर कुतार, मेरी खातून और वालिदा उसे जरूर रोकेंगे, वो रोकेंगे। कयादत वो ही करेगा जो इसका मुस्तहक होगा। और दुर्गुट साहब भी हैं वहां। हाँ, और जैसे ही उन्हें हमारे बारे में खबर पहुंचेगी वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। दुर्गुट मेरे लिए एक भाई की तरह है।
रंगे हाथों। उस्मान, एक बार फिर हम आमने सामने। मैंने तुम्हें तोहफा देने के लिए यहां रोका है। ले आओ उसे। गोक्तोग, मेरे भाई। गोक्तोग, भाई। मंगोल है, एक असली मंगोल। धोखे में न रहना, यह कभी तर्क नहीं हो सकता। और कान खोल के सुन लो, जो हमारा दुश्मन बनता है, अब चाहे वो बहादुर उस्मान ही क्यों ना हो, उसे भी मरना होगा। लेकिन पहले इसको मरना होगा, क्योंकि इसने मुझसे गद्दारी की है। इसके दिल में छेद कर दूंगा। मत करना ऐसा। अगर तुमने गोक्तुक के साथ कुछ किया तो फिर पूरे तुर्कों के दिलों में इंतकाम की आग भड़केगी और तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मेरे हुजूर, क्या तू ये सोचता है कि ऐसा करने से हम डर जाएंगे? इसको लगता है कि यह हमें रोक सकता है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर तसल्ली है मुझे, हक की राह में शहीद होऊंगा अपने भाइयों के सामने और अपने सरदार के सामने। मेरी गवाही देना आप सब कि हक के लिए मैंने जान दी। ऐसा ही है। नहीं डॉक्टर, रुक जाओ। डॉक्टर, मेरे भाई, मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो मुझे। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, छोड़ दो उसे। कुक्तो, वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो रसूल, नहीं। Gok-tok!
कोक कोक मेरा भाई, कोक कोक। चलो कोक कोक। एक भी तुर्क के खून के बदले मैं अगर हजारों सालिम काफिरों का खून न बहा दूं तो मुझे भी उस्मान मत कहना। तुम उन सालिमों के सरबराहों के हाथों